ओके जी, वेलकम वेलकम टू द सेकंड सेशन। वेलकम जी, वेलकम, आ जाएं। बस मेरा ख्याल है एक आध और स्टूडेंट भी आ जाए तो फिर हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करते हैं। अपने नंबर आप जो है वो चैट पे मुझे भेज दें। हाउ डू यू ग्रेड आउट ऑफ 10? अब उसमें दो दो आप दो कैटेगरीज में भेजना चाहें तो दो कैटेगरीज में भेज दें। एफर्ट ये देखें ना हसन, आपने एफर्ट के नंबर भेज दिए ना 8 नंबर। उसने स्लाइड ही नहीं बनाई, सारा टेक्स्ट से कॉपी कर रहा है, ये तो 0 नंबर होने चाहिए थे, ठीक है ना? आपने तो एफर्ट के भेज दिए, क्या ख्याल है? हाँ माँ, हमने कुछ जो है वो एफर्ट को भी कंसीडर किया, मिक्स करके कंटेंट को भी वो किया है। हाँ नहीं, इसे जो है इसे देखें, अगर देखें मैं नंबर कहता हूँ क्योंकि जी हम कम लगाते हैं इसके, हम जो है 3 नंबर लगाते हैं लेट्स से। हाँ जी, एफर्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें जी हसन हसन, एफर्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन याद रखें एफर्ट से कुछ लाइफ में अचीव नहीं होता। जब आप किसी क्लाइंट को कोई चीज़ देंगे, प्रोडक्ट वगैरह, तो वो ये नहीं देखेगा कि जी अच्छा मैं परचेज कर लूँ, आपने बहुत एफर्ट की हुई है, समझे है ना? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे आपको रिवार्ड मिलता है, समझ आ गई बात? आपने जितना मर्जी एफर्ट की हो, अगर किसी क्लाइंट के लिए आपकी प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है, उसे पसंद नहीं आती, यू विल गेट अपग्रेड, यू विल गेट 0 रुपीज, यू विल गेट नो मनी। समझ आई है बात? तो बात यह है कि आपने बेशक एफर्ट ना की हो, आपने स्मार्ट वर्क किया हो, आपने जब लेकिन ऐसा काम किया हो जो कि क्लाइंट के लिए यूजेबल है, यूजफुल है, वो आपकी प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, उससे का कंसर्न नहीं है कि भाई आपने कितनी एफर्ट की है। ये जिंदगी का प्रोफेशनल लाइफ का रूल जो है वो याद रखें जी। आप मुझे दोनों नंबर भेज सकते हैं, ई फॉर एफर्ट, ठीक है, एफर्ट के नंबर भेज दें, और साथ में आप जो है क्वालिटी ऑफ वर्क के भेज दें कि भाई ये कितनी जो है इंफॉर्मेटिव थी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, तो ये है ना असेसमेंट इवेल्युएशन, हमने अपने काम को इवेल्युएट कैसे करना है, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना कि दोनों चीज़ें मेरे माइंड में होती हैं, तो वो मैं खुद भी आपके नंबर लगाते हुए कंफ्यूज हो जाता हूँ, भाई एफर्ट के मार्क्स दूँ या क्वालिटी ऑफ वर्क के मार्क्स दूँ। हाँ, आप यहाँ पे ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क में ठीक है, चलें आपकी राय है, यू हैव गिवन गुड मार्क्स, एफर्ट में भी आपने अच्छे नंबर दिए, एफर्ट के और क्वालिटी के दोनों के मार्क्स दे देंगे। अच्छा, अब वीकनेसेस भी साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ, ज़रा खान ने भी ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड। वीकनेसेस इसमें यह है कि देखें, एक तो स्लाइड्स होनी चाहिए थी, और याद रखें जी, याद रखें ये वीकनेस बाकी लोगों की भी प्रेजेंटेशन में है, सब की नहीं है, कुछ लोग समझ के बोल रहे हैं, जो कुछ आप स्लाइड पे लिखें वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है ना? कुछ हद तक उसकी आपको, कुछ हद तक लाजमी उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और याद रखें, स्लाइड पे आप वो सारा टेक्स्ट नहीं लिखते कि जो आप जो है वहाँ से बोल के जो है वो पढ़ते रहें, ठीक है? आप क्या करते हैं, स्लाइड्स में आप जो है कंडेंस्ड फॉर्मेट, कंपैक्ट, मतलब आप शॉर्ट फॉर्मेट टेक्स्ट लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्मेट बुलेट्स में, ऐसे तो नहीं बुलेट्स दिए गए, ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप डायग्राम्स, इमेजेस और आप जो है एनिमेशंस, आइकन्स यूज़ कर लें। जो आपने बोलना है वो कभी भी स्लाइड पे नहीं होना चाहिए जी, याद रखें, और जो आपने जो कुछ स्लाइड पे है उसकी आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है? एक और बात जो वीकनेस बाकी लोगों के उसमें भी है, ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब आप मटेरियल लें तो उसको आपने डेफिनेटली, आप मटेरियल जो है वो लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, ये एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज है ह्यूमन बीइंग की, कि हम जो है क्या करते हैं, हम जो है दूसरों का नॉलेज पढ़ते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं अपने माइंड में अपने नॉलेज के साथ, और फिर हम नया नॉलेज जनरेट करते हैं, और हम दूसरों का नॉलेज भी बहुत दफ़ा हम दूसरों का नॉलेज प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो याद रखें जी, रिसर्च में हम इसे कहते हैं रेफरेंसेस, साइटेशन, के आपने अपनी स्लाइड्स के अंदर आखिर में रेफरेंसेस की स्लाइड्स लाजमी डालें। ये देखें, उन्होंने जितने भी विकीपीडिया से मटेरियल उठाया हुआ था ना, तो उन्हें कैसे स्लाइड में देना चाहिए था, उन्हें स्लाइड में उसे डबल कोट में इनक्लोज करके नीचे रेफरेंस वन और आखिर रेफरेंसेज वाली स्लाइड में उसका रेफरेंस देना चाहिए था। भाई ये विकीपीडिया से और वेब से जब आप कॉपी करते हैं, उसका अपना जो है फॉर्मेट है रेफरेंस का, आपके भी इस डेट को एक्सेस किया गया,
ठीक है, ये पेज जो है फलां यूआरएल से, ठीक है, जब आप किसी बुक को रेफर करते हैं तो उसका अपना स्टाइल है, ठीक है। तो आप जो है जो भी चीज़ें आप कहीं से आपने पिक्चर उठाई है, याद रखें, कहीं से डायग्राम उठाई है, उसका रेफरेंस लाजमी दें जी, याद रखें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरना अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो वो उसे कहते हैं थेफ्ट, कि आपने चोरी की है किसी की पिक्चर, किसी का नॉलेज, किसी का कंटेंट। आपने रेफरेंस देना होता है, उन्हें क्रेडिट देना होता है कि भाई ये फलां वेबसाइट से मैंने लिया है, ये फलां ऑथर से लिया है, ये मैंने फलां रिसर्च पेपर से लिया है, ठीक है, समझ आ गई जी बात। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आप, एक तो तरीका यह है जैसे टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, समझा रहा होता है, आपने हमेशा ऐसे, एक एक तरीका ये है, आपने हमेशा ऐसे करना होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कभी भी ये ना समझें कि अगले वाले के पास ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास जो कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, याद रखें आपके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। बेशक सामने आपका पीएचडी टीचर ही क्यों ना बैठा हुआ हो, वो ही क्यों ना आपको इवेल्यूएट करो, याद रखें जी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से नॉलेज आपके पास है, समझें आगे वाले को कुछ भी नहीं पता, इस तरह से आपने इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है कि अगले बंदे को वो बात समझ आ जाए। अच्छा, इसका मैं ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे बनानी है जैसे आप अपनी क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हो और उसे कन्विंस कर रहे हो कि वो ये ख़रीद ले, ठीक है ना, वो आपसे एग्री हो जाए, आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ले। आपने अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक है तो आपने स्टार्टिंग फ्रॉम उसकी इम्पॉर्टेंस से शुरू करना है, भी ये इतना दुनिया में ये मसला था, ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये फील्ड इमर्ज हुआ और इसमें ये बेनिफिट्स हैं, आप जो है एज ए कंपनी इसमें फंडिंग करें, मैं जो है लीड करूंगा इस टीम की। आप साइबर सिक्योरिटी पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप जैसे कंपनी के सीईओ को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इस तरह से उसे कन्विंस करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, और अपना नॉलेज आपने उसे बताना भी ये देखें इसकी ये मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप उसे मतलब एक ऐसे बंदे को जिसका नॉलेज नहीं है, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। अगर आप खाली ऐसे रीड आउट करते रहेंगे तो फिर तो जो है वो खुद अगर पढ़ के ऐसे समझ आता होता तो फिर बुक्स से ही पढ़ लेते लोग, टीचर्स की ज़रूरत ही ना होती, ठीक है ना। तो आपने जो है एक्सप्लेन करना है, समझाना है। और आखिरी बात जी, अब पॉइंट यह है कि आपका टीचर जो है, ठीक है, मैं भी उर्दू में आपको समझाने के लिए उर्दू में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमारी इस बात पर फेस टू फेस क्लास में काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है कि आपने जो है इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करना है, ऐसे था या नहीं था जी, इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करना है ना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करना है, जिस कंपनी में काम करना है कम से कम वो मल्टीनेशनल तो हो ना, ठीक है। तो उसमें फिर आपके बॉसेस, आपके एम्प्लॉय, आपके क्लाइंट्स, वो सारे आपके इंग्लिश स्पीकिंग होंगे और आपकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं है, तो प्रेजेंटेशन कोशिश किया करें कि इंग्लिश में जो है वो आप दें। अच्छा, अब ये क्रॉस कटिंग कंसर्न है जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ। अब अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो वो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो जो है वो मीट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, फरजंद अली ने इंग्लिश यूज़ किया, लेकिन फरजंद अली आप देखें ना, आपने जो इंग्लिश यूज़ किया है वो ज़रा बात समझें ज़रा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग है, इसमें आप मतलब इंग्लिश यूज़ करें, दैट विल बी वेरी एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो जो पहला पॉइंट मैंने बोला है ना, वो कि जी समझाने वाला, मैं आपका इवेल्यूएटर हूँ तो आप मुझे जो चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मेरी इंग्लिश उतना फ्लुएंट ना हो या आपकी क्लास फेलोज़ की इंग्लिश उतना फ्लुएंट ना हो, ठीक है, तो वो आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव समझाने वाला है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, वो अब अगर हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आपने जो है अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिहाज से जो है करनी है। तो ये कुछ वीकनेसेस, रेफरेंसेस वाली वीकनेसेस, टाइम ड्यूरेशन वाली वीकनेसेस, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वाली वीकनेस, ठीक है। अभी आप अगर मिक्स भी यूज कर लें तो दैट इज़ वेरी गुड, के साथ साथ आप समझाने के लिए उर्दू में भी बोलें, ठीक है। और ये नहीं कि खाली पढ़ रहे हो, यूँ नहीं करना जी, खाली आप पढ़ रहे हो इंग्लिश में, हाँ जी प्रेजेंटेशन बहुत इंग्लिश में है, मैं जो है वहाँ से रीड कर रहा था, ये भी तो अभी रीड कर रहे थे ना इंग्लिश में, वो जो लिखा हुआ था वो रीड कर रहे थे ना, ऐसी इंग्लिश नहीं,
ऐसी इंग्लिश जैसे आप बातें करते हैं, जैसे मैं उर्दू में अभी बात कर रहा हूँ तो ऐसे मैं अगर आपसे इंग्लिश में बात करूँ तो दैट इज द प्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ आई जी बात? तो कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, आप एक दफ़ा फिर अपने टॉपिक पे एफर्ट कीजिएगा, स्लाइड में से वो मटेरियल डालें जो थोड़ा बहुत आपको समझ आता है, ठीक है, और 10 मिनट की, कुछ ने ज़्यादा ड्यूरेशन की हुई है। हसन खान ऐसे ही है, हाँ जी, थोड़ा सा मिक्स करके यूज़ करें, लेकिन आपका इंग्लिश बोलने की जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी बेहतर है। आप अपनी 10 मिनट की वीडियोज जो है वो दोबारा से आप जो है वो उसका एक और URL जो है इस टास्क में भेज दें इम्प्रूव करके जी, ठीक है, फिर हम उनको भी असेस करेंगे जी। ठीक है, ठीक है जी, तो नंबर मैं आप सबको 10 नंबर दे दूँ, आई एम वेरी हैप्पी वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने मतलब काम किया, जिन्होंने नहीं किया वो करके फिर जमा करा दें, जिन्होंने कर लिया है वो उसे इम्प्रूव कर लें। ठीक है, अभी बाकी टास्क तो मैं नहीं मांग रहा ना, इस वाले टास्क को आप ज़रा इम्प्रूव करके दोबारा से जमा करा दें, रेफरेंसेज डालने हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनिमेशन, स्लाइडें किस लिए होती है, एनिमेशन के लिए होती है ना, ठीक है, एनिमेशन उसमें डालें, ठीक है, और रेफरेंसेज लाजमी डालें जी। तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से जो है नेक्स्ट वीक में दोबारा से हम जो है वीडियोज़ के ऊपर जो है वो अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। ठीक है, इस दौरान कुछ आप इम्प्रूव करना चाहें, इन 4 स्टूडेंट्स ने जमा कराई हुई थी, टाइम नहीं मिला हमें, वरना इनको हम गो थ्रू जो है वो कर लेते, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इनको हम गो थ्रू करेंगे, और बाकी जो लोग सबमिट कराएंगे उन पे भी हम कमेंट करेंगे, और आपने ख़ुद अपने नंबर लगाने हैं, एफर्ट के भी और क्वालिटी ऑफ वर्क के भी, दोनों कैटेगरीज में आपने नंबर लगाने हैं जी। ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन हो तो पूछ लें जी, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम हो गया है, देन वी विल एंड दिस मीटिंग। कोई आपका क्वेश्चन हो जी पूछ लें, क्वेश्चन जी, एनी क्वेश्चन, कोई कोई कन्फ्यूजन हो जी, कोई बात समझ ना आई हो तो YouTube चैनल भी आप बना लेंगे, हाँ जी, YouTube चैनल भी आपने बनाना है, URL मुझे देना है, LMS के ऊपर देना है जी, याद रखें। ग्रेड्स आपने देखे हैं अपने LMS पे, आपने बाकी असाइनमेंट्स के ग्रेड्स देखे हैं, वहाँ पे मैं लगाऊंगा, वो सिर्फ आपको शो करने के लिए, असल जो है वो एक्सेल में आपको दिखाता हूँ ना, वहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में मैं मेंटेन करता हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह हम जो है फिर तो इस सेमिनार में एक क्रेडिट आवर का है, सबको एक ग्रेड भी मिल जाए, CGPA पे असर नहीं पड़ेगा, असल जो चीज़ लर्निंग की है वो आप मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से आप जो है चीज़ें बहुत सारी सीख सकते हैं। ठीक है, और जैसे आज वाले स्टूडेंट ने ये इनोवेटिव वे किया है, मैं इसे माइंड नहीं करता, मैं क्रेडिट फुल दूंगा, ठीक है, लेकिन ये आप अपनी इनोवेशन करें, ठीक है, तो दैट विल बी वेरी गुड, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह, सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहें, कोई बात करना चाहें, तो यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा मैंने टाइट नहीं की हुई थी, ठीक है, आप पूछ सकते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास जी, अल्लाह हाफिज़, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग नाउ।